Hi guys, welcome back to another video of Economics on Your Tips. आज का हमारा टॉपिक है द मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक, या बोलो इसको जो सबसे ज्यादा लोग बोलते हैं ना, सर ये पढ़ाओ, कुछ मत पढ़ाओ, ये पढ़ाओ, कुछ मत पढ़ाओ, ये पढ़ाओ, तो आज यही पढ़ाना है। आज अपन बात करने वाले हैं आइसो पॉइंट कर्व की, या जिसको क्या बोलते हैं आइसो प्रोडक्ट कर्व या इक्वल प्रोडक्ट कर्व। आइसो पॉइंट कर्व क्या होता है, किस कहां काम आता है और कैसे काम आता है, आज उस सारे टॉपिक के बारे में बात करेंगे। एक चीज मुझे बताना इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, क्या आपने इंडिफरेंस कर्व का पूरा टॉपिक पढ़ा हुआ है? क्या आपको इंडिफरेंस कर्व पूरा आता है? इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी आपको पता है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, MRS क्या होती है, पता है? अगर वो पता है तो आज की इस वीडियो को आगे जरूर कंटिन्यू करना, क्योंकि अगर वो पता है तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, अगर वो नहीं पता तो इसमें जरूर दिक्कत आने वाली है, तो आज अपन आइसो पॉइंट पढ़ने वाले। देखो इंडिफरेंस कर्व क्या था, एक कंज्यूमर को दो चीजें कंज्यूम करनी है, ठीक है, तो उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन की लाइन पे घूमना है, एक्स चार लू वाई दो लू, एक्स तीन लू वाई पांच लू, एक्स दो लू वाई दस लू, ये क्या है, वो अलग अलग कॉम्बिनेशन ढूंढता था जहां पे सेटिस्फेक्शन सेम रहता था। अब हम बात कर रहे हैं प्रोड्यूसर की, कि जो प्रोड्यूसर है उसके केस में आइसो पॉइंट क्या है। ध्यान से पहले डेफिनेशन सुनना, एग्जैक्टली सेम लगेगा आपको इंडिफरेंस कर्व जैसा। इट इज अ कर्व विच शोज वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू फैक्टर, लैंड एंड लेबर, गिविंग सेम लेवल ऑफ आउटपुट। वहां सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलता है, यहां सेम लेवल का आउटपुट है, यानी कि मैं 15 यूनिट कैपिटल की लू, 1 यूनिट लेबर की लू, 10 यूनिट कैपिटल की लू, 2 यूनिट लेबर की लू, कुछ भी लू, मेरा जो आउटपुट अगर 100 है तो वो 100 ही रहेगा। यानी कि दो फैक्टर, एक लैंड ले लिया, एक लेबर ले लिया, इन दोनों के बीच में हम क्या कर रहे हैं, शफल ऑफ कर रहे हैं, यानी कि अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, कॉम्बिनेशन ए बी सी डी ई, अलग अलग कॉम्बिनेशन हम ले रहे हैं कैपिटल और लेबर के बीच में। कैसे? इस तरीके से कि जो हमारा लेवल ऑफ आउटपुट है वो एग्जैक्टली सेम रहना चाहिए। यानी कि भले 15 यूनिट ऑफ कैपिटल लो और 1 यूनिट ऑफ लेबर लो तो 100 का प्रोडक्शन होगा, 10 यूनिट कैपिटल लो, 2 यूनिट लेबर लो तो भी 100 का होगा, 6 यूनिट कैपिटल लो, 3 यूनिट लेबर लो तो भी 100 का होगा, 3 यूनिट कैपिटल लो, 4 यूनिट लेबर लो तो भी 100 का होगा, ठीक है। तो ये सारे केसेस में जो हमारा आउटपुट है वो एग्जैक्टली सेम रहता है, जैसा इंडिफरेंस कर्व में था वहां सेटिस्फेक्शन सेम रहता है, यहां प्रोडक्शन सेम रहता है, ठीक है। तो प्रोड्यूसर जो है हमारा वो दो फैक्टर्स, यानी कि एक लैंड है, एक लेबर है, एक कैपिटल है और एक लेबर है, इन दोनों के बीच में प्रोडक्शन कर रहा है इस तरीके से कि उसका जो प्रोडक्शन है वो हर लेवल पे क्या रहेगा, सेम रहेगा। एवरी लेवल पे आपका जो आउटपुट है वो सेम रहेगा, एग्जैक्टली सेम, हम यहां बोले अगर 100 है तो 100 रहेगा। अब आप बोलोगे सर इसको डिफरेंस कर्व में क्या फर्क है, एक छोटा सा फर्क तो पहले तो ये हो गया कि वहां कंज्यूमर था यहां प्रोड्यूसर है, वहां सेटिस्फेक्शन सेम था यहां प्रोडक्शन सेम है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम ये बता सकते थे, ये नहीं बता सकते थे कि भाई 3-4 इंडिफरेंस कर्व बना दिए, हमें पता है कि ये खराब है, ये उससे ज्यादा अच्छा है, ये उससे ज्यादा अच्छा है, सबसे ज्यादा अच्छा। वी नो दैट कि भाई बैड से अच्छा गुड होता है, गुड से अच्छा वेरी गुड होता है, वेरी गुड से अच्छा एक्सीलेंट होता है, पर हम ये कभी नहीं बता सकते थे कि कितना अच्छा होता है। इन केस ऑफ इंडिफरेंस कर्व हम कभी भी दो ग्राफ के बीच की प्रोडक्टिविटी या दो ग्राफ के बीच का डिफरेंस नहीं बता सकते थे। Although we know this कि भाई दोनों ग्राफ के बीच में डिफरेंस है, दूसरा वाला ग्राफ पहले वाले से अच्छा है, हम प्रेफरेंस बता सकते थे पर दोनों के बीच का गैप नहीं बता सकते। बट इन केस ऑफ आइसो पॉइंट कर्व, क्योंकि हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो हम ये बता सकते हैं कि भाई पहला जो ये लाइन है ये 100 यूनिट का प्रोडक्शन बना रही है, दूसरी यूनिट की जो लाइन है वो 200 का प्रोडक्शन कर रही है, तीसरी की जो लाइन है वो 300 का प्रोडक्शन कर रही है। यानी इन केस ऑफ आइसो पॉइंट कर्व हम ये बता सकते हैं कि दो जो आइसो पॉइंट है वो एक दूसरे से कितनी दूरी पर है या उन दोनों के बीच में कितना गैप है, ठीक है। पहली चीज तो ये, ठीक है, तो आप आइसो पॉइंट कर्व का मतलब समझे, एक ऐसा कर्व जो ये बताता है कि दो फैक्टर्स को लेकर आप कितने तरीके के अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन कर सकते हैं सो दैट योर लेवल ऑफ आउटपुट रिमेन्स कॉन्स्टेंट। भले ही हम यहां हैं, इसको थोड़ा सा नीचे लो, ठीक है, कहीं भी हो आप सारे लेवल पे क्या रहेगा, दैट योर प्रोडक्शन कैपेसिटी इज 100 यूनिट्स।
या 100 यूनिट्स का आप क्या कर रहे हैं, आउटपुट निकाल रहे हैं। ठीक है, पहली चीज। सेकंड, अब आप बोलोगे कि सर व्हाई डज इट स्लोप्स कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स क्यों बना गया। ठीक है, तो पहली चीज जो आपको यहां समझनी है, इसको छोड़ के यहाँ के बाकी जितने भी कॉन्सेप्ट है ना, वो सब एग्जैक्टली क्या है, इंडिफरेंस कर्व जैसे ही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ अपन एक कॉलम और बनाते हैं, इंडिफरेंस कर्व के स्लोप को अपन ने क्या बोला था, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन MRS। ठीक है, क्योंकि हम कंजम्पशन कर रहे थे, यहां हम क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के बेसिस पे। तो यहां का जो स्लोप होगा उसको हम बोलेंगे MRTS। व्हाट इज MRTS? मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन यानी कि कैपिटल की कितनी यूनिट कम करने पे हम लेबर की एक यूनिट बढ़ा सकते हैं, सो दैट हमारा जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन है वो सेम रहेगा। कैपिटल की कितनी यूनिट कम करने पे हम लेबर की कितनी यूनिट बढ़ा सकते हैं, सो दैट हमारा लेवल ऑफ प्रोडक्शन सेम रहेगा। दैट इज नोन एज MRTS LK। क्या बोलते हैं? MRTS LK। MRTS ऑफ लेबर फॉर कैपिटल, लेबर फॉर कैपिटल। कैपिटल को K से डिनोट करते हैं, C से नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि C जो है वो रजिस्टर्ड हो चुका है कंजम्पशन के लिए, तो कंजम्पशन को C से करते हैं, इसलिए हम कैपिटल को K से करते हैं। ठीक है, अब देखो इसका फॉर्मूला सेम है, मैं इसकी अलग वीडियो बना दूंगा, चिंता मत करना। डेल K बाय डेल L, ध्यान रखो इंडिफरेंस कर्व पड़ रखा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। चेंज इन कैपिटल अपॉन चेंज इन लेबर या नेगेटिव साइन लगा रहता है, माइनस का मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में बदल रहा है। या देखो पहले पे डैश कितना कम हुआ, 5, कितना बड़ा 1, कितना कम हुआ 4, कितना बड़ा 1, कितना कम हुआ 3, 2। अब why does isoquant curve is generally downward sloping, या generally जो है वो isoquant curve convex होता है। तो convex का मतलब मैं हमेशा बोलता हूं, द शेप ऑफ एनी कर्व, किसी भी कर्व का जो शेप होता है वो उसका स्लोप डिफाइन करता है कि उसका स्लोप कितना है। यहां पे आपका जो स्लोप है, जो MRTS है, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, तो एग्जैक्टली इसको स्लोप नहीं कहते, पर आपका जो रेट ऑफ डिक्रीजिंग है, जो स्लोप है इसका, वो क्या है, वो डाउनवर्ड स्लोप जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज क्यों हो रहा है उसका रीजन बताऊंगा। तो भाई ये डिक्रीज हो रहा है, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसा चलेगा, इसलिए ये आपका कॉन्वेक्स बना है। अगर ये इंक्रीज होता, जो कि पॉसिबल नहीं होगा कभी भी, अगर ये कॉन्स्टेंट होता, जो हो जाता है कभी कभी, तो ये ऐसा होता। पहले इसका मतलब समझना, इसके ऊपर एक एग्जैक्टली सेम वीडियो बना लूंगा, यानी कि आप कल अपन MRTS को प्रॉपरली समझेंगे क्या होता है। पहले ओवरव्यू देख लो, MRTS का मतलब मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, यानी कि कैपिटल को मैं कितना कम करूं ताकि मैं लेबर की एक यूनिट बढ़ा सकूं, ये ध्यान में रखते हुए कि आपके पास जो प्रोडक्शन है वो 100 का 100 ही रहेगा। यहां पहले कैपिटल की 5 यूनिट कम करनी पड़ गई थी तब जाके एक बड़ा था, या 4 कम करनी पड़ गई थी तब जाके एक बड़ा, या 3 कम करनी पड़ी तब जाके एक बड़ा, या 2 कम करनी पड़ी तब जाके एक बड़ा। ऐसा क्यों हो रहा है, ये रेट चेंज क्यों होती है? ये रेट चेंज इसलिए होती है क्योंकि अगर आपने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ा हो, या अपन बेसिक चीज बात करें लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में क्या था, कि स्टार्टिंग में आपकी लेबर बहुत अच्छा काम करती है, फिर आपकी लेबर कम काम करती है, फिर आपकी लेबर कम काम करती है, इंक्रीजिंग रिटर्न, डिक्रीजिंग रिटर्न और नेगेटिव रिटर्न। तो देखो शुरू में लेबर अच्छा काम कर रही है, इसलिए 5 यूनिट ऑफ कैपिटल का काम इकलौती एक लेबर में संभाल गया, फिर लेबर थोड़ी कम हुई तो 4 यूनिट ऑफ लेबर का काम एक इकलौती का, 4 यूनिट ऑफ कैपिटल का काम एक इकलौती लेबर ने संभाल लिया, फिर उसकी प्रोडक्टिविटी और कम होती है। अपन ने पढ़ा है ना कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जो है वो गिरती जाती है। तो यहां 3 यूनिट की कैपिटल का काम एक लेबर ने संभाला, फिर 2 यूनिट की कैपिटल का काम एक लेबर संभाल पाएगी, फिर 1 यूनिट की कैपिटल का काम एक लेबर संभाल पाएगी। ठीक है, डिक्रीजिंग रिटर्न ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, जिसकी वजह से आपका जो ये है वो कॉन्वेक्स होता है इन शेप। ठीक है, सो ये गाइस आपका MRTS हो गया, और ये हो गया आपका प्रॉपर आइसोक्वांट कर्व, किसे कहते हैं। सो व्हाट इज आइसोक्वांट कर्व? एक ऐसा कर्व जो ये बताता है कि आपका जो प्रोडक्शन है वो सेम रहेगा बाय डिफरेंट आपकी प्रोडक्टिविटी पे, यानी कि इट इज अ कर्व विच शोज वेरियस कॉम्बिनेशन, अलग अलग कॉम्बिनेशन ABCDE ऑफ टू फैक्टर, दो फैक्टर यानी लैंड और लेबर, मान लो कुछ भी हो सकता है, गिविंग द सेम लेवल ऑफ आउटपुट, जो कि आउटपुट जो है वो सेम देंगे एवरी पर्टिकुलर पॉइंट के। ठीक है, कल अपन इस टॉपिक को MRTS मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन को एक वापस से डीप में पढ़ते हैं, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि व्हाट इज MRTS एंड हाउ इट इज रिलेटेड, कि ये कम क्यों होता है हमेशा। ठीक है, ये बढ़ नहीं सकता,
ये बढ़ क्यों नहीं सकता, क्योंकि अपन ने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ विल प्रोपोर्शन प्रोडक्टिविटी जो है वो गिर जाती है, ठीक है, आफ्टर फर्स्ट यूनिट आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो गिरती चली जाती है, गिरती चली जाती है, ठीक है ना, इसलिए ये बढ़ता नहीं है बहुत रहे, मतलब पॉसिबल ही नहीं कि ये बढ़ जाए, ठीक है ना, क्योंकि आपका ऐसा नहीं है कि लेबर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती चली जाएगी, कॉस्टिंग बढ़ेगी प्रोडक्टिविटी तो कम ही होगी, ठीक है ना, आफ्टर ऑप्टिमम लेवल, ठीक है ना। तो चलिए ये था आपका आज का टॉपिक जिसके अंदर अपन ने पढ़ा व्हाट इज आइसोपॉन कर्व एंड हाउ दे आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन, वहां कंजम्पशन था कि कंज्यूमर था, या प्रोडक्शन है क्योंकि आप प्रोड्यूसर की बात कर रहे हैं। कल के वीडियो में अपन ये देखेंगे कि MRTS क्या होता है, छोटी सी वीडियो लूंगा 5 मिनट की कल, ठीक है ना, उसमें ये देखेंगे MRTS क्या होता है और एक्चुअल में क्या मीनिंग होता है आपके MRTS का। चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे कल फिर मिलेंगे, टिल देन गाइस कीप ऑन वॉचिंग इकोनॉमिक्स ऑन टिप्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड